आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। पूरे भारतवर्ष में महाउत्सव मनाया जा रहा है। चुनावी महोत्सव के प्रथम चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होने वाला है। साथ ही हम आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कचहरी परिसर में चुनाव प्रचार किया और लोगों से मतदान करने की अपील की। दिन प्रतिदिन चुनाव बहुत अच्छा होता जा रहा है और आज हम लोग इधर अधिवक्ता बंधुओं से, बार एसोसिएशन के तमाम सम्मानित सदस्यों से, अपने बुजुर्ग कानून के पहरुओं से मुलाकात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं मिल रही हैं। ठीक है, आप जगह जगह जनसंपर्क भी कर रहे हैं तो देखा गया पुलिस द्वारा भी आपको जो है परेशान किया गया था। दरअसल मौजूदा सांसद साहब अब थोड़ा सा उनको ये लगने लगा है कि जैसे वो बहुत बच्चा समझ रहे थे, 30 साल का युवा क्या करेगा, उसकी सभाओं में उमड़ती हुई भीड़ ने डरा दिया है विपक्ष को। जो फिलहाल पक्ष है, लेकिन मेरा विपक्ष है, वो डर गया है। उसे लग रहा है कि अब सभाओं में व्यवधान उत्पन्न किया जाए, जनसभाओं में जानबूझ करके, इसलिए पुलिस की वजह से दो जगह परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश की गई। रामस्वरूप जाटव जी हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, कांट में उनको पुलिस उठा ले गई, मजबूरन हम लोगों को थाने जाना पड़ा। परसों पीपलसाना में इसी तरह से परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता जब जिसके साथ होती है उसे फिर न पुलिस रोक पाती है न कोई सरकार रोक पाती है। लेकिन देश की आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? देश की आवाम से अपील करना चाहेंगे कि बहुत सोच समझ करके वोट दें, एक नई सरकार चुने, देश में बदलाव लाएं, राहुल जी की नीतियों पर भरोसा करें। राहुल जी काम करने वाले व्यक्ति हैं। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, कितना विकास देखने को मिल रहा है आपको? अब क्या कहूँ इस पे तो बस शहर जो है जाम से जूझ रहा है। सड़कों की स्थिति आप खुद जानते हैं, पुल जो है वो 28 साल से निर्माणाधीन है, पता नहीं एक पीढ़ी गुजर जाएगी तब तक निर्माणाधीन ही रहेंगे। तो इसलिए विकास के नाम पे सिर्फ आप हंस सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उम्मीद करता हूं कि शहर में निज़ाम बदलेगा अगर मुझ पर भरोसा जताया यहां की जनता ने। ज़रूर।